हेलो एवरीवन दिस इज मीनाक्षी वेलकम टू लेट्स स्टडी एंड आवर टुडेस टॉपिक इज डेसिमल सो इन दिस चैप्टर चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म वी विल डू तो एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये है ज़ीरो ठीक है इर इज़ द ज़ीरो अगर हम इस ज़ीरो के राइट साइड पर कोई नंबर लिख देते हैं ठीक है और अगर हम इस ज़ीरो के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिख देते हैं तो व्हाट हेपन्स देखो ज़ीरो के राइट right साइड में अगर हमने लिखा या जीरो को हमने लेफ्ट साइड में लिखा बात एक है तो जीरो अगर हमारी लेफ्ट साइड में है तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ठीक है लेकिन अगर ये ज़ीरो किसी डिजिट के राइट right साइड में लिखी जाती है राइट हैंड साइड पर होती है दैन इट बिकम्स टेन फिर ये हमारा टैन हो जाता है ठीक है तो कभी भी मतलब किसी डिजिट के किसी नंबर के अगर किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में इधर की तरफ कितने भी जीरो हों देव नो वैल्यू उनकी कोई वैल्यू नहीं है बट इफ़ दे आर रिटर्न इन द राइट हैंड साइड दैन इट हैज़ द वैल्यू वॉट इट मीन्स यहाँ पर तो ये बन गया इधर की तरफ है तो ये इट इज़ इट इज टू जस्ट टू लेकिन इफ दीज जीरो ऑन द राइट साइड देन इट बिकेम ट्वेंटी टू हंड्रेड टू थाउजेंड लाइक दैट अब हम देखते हैं डेसीमल डेसिमल को हम बोलते हैं दशमलव ठीक है और ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है ये भिन्न होता है ना अब भिन्न फॉर्म जैसे हमने पढ़ा है भिन्न फॉर्म को जब हम जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं जैसे सपोज हमने लिख दिया वन अपॉन टू तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि भिन्न ऊपर नीचे लिखा हो वन अपॉन टू जब हम इसको बोलते हैं वन अपॉन टू है, है ना तो इसको हम बोलते हैं भिन्न फॉर्म राइट और ये है हमारा दशमलव दशमलव मीन्स दिस पॉइंट दिस डेसिमल ठीक है चलिए अब जैसे हमें चेंज करना है चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म ये हमारा डेसिमल नंबर हमें गिवन दिया है गिवन है और इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म इस वाली फॉर्म में चेंज कर देना है ठीक है तो हम कैसे चेंज करेंगे देखो पहले इसमें हम करेंगे ज़ीरो ज़ीरो फोर पॉइंट इसको हम इधर लिख देते हैं अब बॉन. अब हमें क्या करना है एक वन हम नीचे लगा देते हैं इसका मतलब ये भिन्न फॉर्म चेंज हो गई ना भिन्न करने के लिए हमको इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा एक वन हम लिख देते हैं ठीक है अब डेसिमल के यानी पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड में पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट होंगी उतनी ही ज़ीरो आप वन के बाद लगा दोगे ठीक है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितना भी नंबर होगा जितने भी नंबर काउंटिंग में होंगे आप उतनी ही जीरो उस वन के बाद लगा दोगे लाइक like, अब कितने वन टू थ्री तो वी विल पुट वन टू एंड थ्री ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब ये चेंज हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में अब हम इसे कैसे करेंगे ये हमारा रह गया फोर अपॉन वन थाउजेंड बन गया क्योंकि इन वाली जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं विच हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है बट वैन इट कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डिजिट दैन जीरो हैव द वैल्यू जीरो की कोई वैल्यू तब होती है ठीक है तो क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड पे है तो दे डोंट हैव एनी वैल्यू राइट तो अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने अप्रॉक्स चेंज कर दिया है वी कैन लीव इट यर यहाँ भी हम इसे छोड़ सकते हैं और हम इसको और थोड़ा मिनिमाइज़ भी कर सकते हो और थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे कैसे क्योंकि इसको छोटा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे रहने देंगे तो भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म चेंज हो चुका है ठीक है कितना ईजीली है अब देखिए इसको कट करते हैं जब हम इसे कट करेंगे सीधे सीधे फ़ोर से कट कर देंगे फोर वन जो फोर ठीक है और ये पूरा जब कटेगा ट्वेंटी फाइव तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कटेगा तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है और इसके बाद बची एक ज़ीरो वो यहाँ पर आ जाएगी तो क्या बन गया वन अपॉन टू फाइव जीरो टू हंड्रेड फिफ्टी हर इज आंसर ठीक है ना नेक्स्ट जीरो पॉइंट फाइव ठीक है अब मैंने क्या बताया है कि हमें क्या करना अपने नंबर को लिख लेना है ऐसे ही ज़ीरो पॉइंट फाइव हमने लिख लिया उसके नीचे हमने एक अपना अपॉन वाला निशान बना दिया जो कि हमारे इस भिन्न फॉर्म पह की पहचान है कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे दैन इट बिकम्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म भिन्न फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके नीचे एक वन ऐड करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल और पॉइंट बोथ आर सेम थिंग पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर हैं कितने डिजिट हैं वन ठीक है one, तो हम उसके बाद इसको हटाकर कर यहाँ पर एक नंबर एक ज़ीरो पुट कर देते हैं ठीक है ऐसे ही हमने यहाँ भी किया कि हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम तीन ज़ीरो लगाएंगे इन द सेम वे हेयर ठीक है इसको मतलब आप ऐसे रिमूव करके दिखा सकते हैं कि हमने इसको इरेज है यहाँ से हटा दिया और उसके बाद हम एक नीचे वन लिखते हैं अपने आप से और फिर जितने पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतनी ही हम ज़ीरो उसके सामने लिख देते हैं ठीक है तो अब हमारा ये क्या बन गया फाइव अपॉन टेन क्योंकि इस वाली ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ठीक है अब हम इसको कट करेंगे फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन तो ये क्या बन गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म वन अपॉन टू ओके नाउ वी ऑन द थर्ड क्वेश्चन ये है तो वी विल पुट इट हीर एस ए फोर फिर एक अपॉन का निशान लगाएंगे एंड विल राइट अ वन हेयर एक वन को लिखेंगे अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी कितने डिजिट है वन टू एंड थ्री ठीक है तो हम एक इसको यहाँ पर तीन जीरो को लगा देंगे लग गया और हमारा डेसिमल हट जाएगा अब ये डेजर्ट क्या बन गई दिस इज और अपॉन वन थाउजेंड ठीक है दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म इफ़ यू वांट टू कट दिस मतलब आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं देन इसको श, मतलब और छोटा फॉर्म में आप लिख सकते हो बट ये यहाँ पर हो गया ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है चेंज हो गई है ठीक है अब हमने क्या सीखा कि जब एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेन थ्री अपॉन नहीं दिस इज द नंबर ठीक है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री ठीक है इसे हमें चेंज करना है किस फॉर्म में अपने फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे ये पे करते हैं इसके नीचे हम एक वन पुट कर देंगे सिंपल बात है मतलब जब भी भिन्न करने बोले आप एक नीचे अपॉन का निशान बना लीजिए इसको हम बोलते हैं वन अपॉइंट टू जिसको बोलेंगे वन अपॉइंट टू ठीक है वन अपॉइंट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है तो ये अपॉन का निशान बना के एक वन पुट कर देंगे अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वन टू थ्री विल रिमूव दिस डेसिमल और पॉइंट यू कैन से और हम यहाँ पर तीन ज़ीरो को लगा देंगे ठीक है और फिर ये बन जाएगा क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड में जो भी आपका ज़ीरो है दे हैव नो वैल्यू तो आपका बचा केवल थ्री अपॉन वन थाउजेंड बस ये कट गया ये अगर आप इसको और छोटा चो, करेंगे तो ये हो जाएगा और मतलब मिक्स न्यूमरल मिक्सड फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा बट लेट इट लेट इट बी लाइक दैट इसको ऐसे ही रहने देते हैं थ्री अपॉन वन थाउजेंड ये आपका हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना कि कैसे हम चेंज करते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ईजी है बहुत ज़्यादा आसान है बस आपको यही देखना है कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है कितनी डिजिट है अगर वन है तो यू विल पुट वन ज़ीरो अगर टू है तो यू विल पुट टू जीरो देखिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे हम लेते हैं टू थ्री फोर सिक्स पॉइंट फाइव ज़ीरो जीरो ठीक है तो अब हम हमको इसको चेंज करना है जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में वी विल राइट अ वन हीयर डेसिमल को हटाते हैं उसके बाद कितना डिजिट है वन टू थ्री तीन नंबर है तो हम तीन नंबर को यहाँ पर लिख देंगे और उनकी जगह पर तीन जीरो को बना देंगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा टू थ्री फोर सिक्स फाइव डबल जीरो अपॉन वन थाउजेंड इट इज़ योर फ्रैक्शन फॉर्म इफ़ यू वॉन्ट टू कट दिस इसकी वन थाउजेंड टू जी ये ऐसे कट के तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो दिस इज़ योर फ्रैक्शन फॉर्म दिस इज़ योर आंसर वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टेक केयर